तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि भाई स्नो चेन के बारे में बताओ, आप स्नो चेन कैरी करें क्या नहीं करें। तो मैं आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही चीप एंड बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैं आप स्नो चेन नहीं लाएं, तो वो आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि थोड़े महंगी आती हैं स्नो चेन। तो मैं आपको बिल्कुल ईजी और बहुत ही चीप एंड बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, किस तरह अपनी गाड़ी को आप सिर्फ इस रस्सी की मदद से बाहर निकाल सकते हैं ऐसे स्नोफॉल में, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, दिस इज योर होस्ट नवीन ठाकुर। तो भाई, आपका भाई फिर से पहुंच चुका है मनाली। तो एक्चुअली मैं मनाली में ही होता हूं, तो काफ़ी लोग पूछते थे भाई आप दो को भी मनाली में थे, चार को फिर पहुंच गए, तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो भाई मैं ज़्यादातर मनाली में होता हूं। तो आज फिर से स्नोफॉल हुआ है, सुबह बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं अल्टीमेट व्यू गाइस। तो आपने अगर बर्फ़ का मज़ा लेना है, वही बोल रहा हूँ स्नोफॉल का मज़ा लेना है, तो दौड़े चले आओ और अपना बैग पैक करो। तो लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी गाड़ियों का एक्सीडेंट दिखाया था, उसका रीज़न वही था कि एक तो कई ओवर स्पीड थे, ओवर टेकिंग के चक्कर में लगे, और मैक्सिमम का क्या था कि फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी कि टायर्स में फ्रिक्शन नहीं होता, जिसके कारण हमारी गाड़ी स्लिप करती है। तो आज मैं वही डाउट आपका क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड, जो प्रॉब्लम आती है वो आती है या फिर जो रियर व्हील ड्राइव होते हैं या फिर फ्रंट व्हील ड्राइव होते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है कि तो आपके पास जो ट्रैक्शन होता है वो सिर्फ दो टायर में होता है, ना कि पीछे में। तो 4x4 तो मैनेज कर लेती हैं, बट ज़्यादा हैवी में भी नहीं करती 4x4, उनके लिए भी स्नो चेन्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बताऊँगा, क्योंकि सभी स्नो चेन को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि स्नो चेन थोड़ी महंगी भी आती हैं। तो फिर भी बताऊँगा कि मान लीजिए अगर आप हिली एरिया में आ रहे हो और स्नोफॉल हो गया, तो आप अपने पास जो आपके पास पड़ा होता है कोई भी सामान, तो उससे कैसे आप हेल्प कर सकते हो खुद को अपने उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। तो मैं बताता हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आज रस्सी का। तो गाइस याद रखना, बाकी कुछ हो चाहे ना, आपकी गाड़ी में रस्सी स्पेयर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स याद रखना, क्योंकि रस्सी आपको ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ स्नोफॉल से निकालेगी या स्नो से निकालेगी, इवन आपको और भी कई प्रॉब्लम से निकाल सकती है। तो याद रखना, रस्सी पेयर होना ज़रूरी है आपके पास। तो कम से कम भी 10-15 फीट की रख सकते हो आप रस्सी, तो उसको काटने के लिए आपके पास ये भी होना चाहिए, ठीक है भाई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ मैं आप किस तरह अपने आप को उस मुसीबत में निकालेंगे। तो एक्चुअली मेरी जो गाड़ी है, तो आप लोग काफ़ी सोच रहे होंगे कि भाई आपकी गाड़ी तो 4x4 है, तो आप तो 4x4 निकालो और निकाल लोगे। तो मैं आज क्या करूँगा, इसके सिर्फ जो रियर व्हील ड्राइव उसी पे चलाऊँगा और उस पे दिखाऊँगा कि कैसे काम नहीं करते। तो यहाँ पे मेरे को एक डिसएडवांटेज ये है कि जो वी क्रॉस है वो पीछे से काफ़ी ज़्यादा हल्की है, जो उसका रियर व्हील पे, तो वो ज़्यादा स्लिप करेगी एज़ कम्पेयर टू आपकी कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो सुमो हो चाहे इनोवा हो, क्योंकि उसमें थोड़ा वेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वी क्रॉस के, क्योंकि इसमें पीछे बिल्कुल खाली है। तो और दूसरी बात है, जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उनके पास वेट इंजन का होता है, तो वो उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ, पहले मैं इसमें, तो आज मैं जो 4H या 4L वो नहीं लगाऊंगा, सिंपल 2H पे दिखाऊंगा, 2H पे लगा के, और सबसे पहले दिखाऊंगा कि मैं कैसे स्लिप होगी है, उसके बाद सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो अब करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये है वी क्रॉस, और वी क्रॉस याद रखना ओपन डिफरेंशियल है, तो जिसमें कि क्या करेगा कि एक टायर अगर आपका आइडियल घूम रहा है या फिर उसको अगर ट्रैक्शन नहीं मिल रहा, तो वो ज़्यादा घूमता ही रहेगा, जो दूसरे में नहीं घूम पाएगा। तो ओपन डिफरेंशियल का ये एक दिक्कत होती है, ये आप देख सकते हो। तो भाई ये वाला टायर पूरा घूम रहा है, तो अब इसको फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, तो दूसरा वाला टायर दिखाएंगे हम, दूसरा दिखा, वो टोटल लॉक होगा। हाँ, तो इधर एक टायर लॉक है और दूसरा आपका घूम रहा है। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, तो अभी जैसा कि आपको पता लग गया कि ये टोटली फंस चुकी है, तो आपके केस में भी ऐसा हो सकता है, या फिर आपका फ्रंट व्हील ड्राइव होगा तो वो फंसेगा, नहीं तो आपका रियर व्हील फंसेगा। तो अब जो सॉल्यूशन चला, तो फ्रेंड्स अब होगी सॉल्यूशन की बात, तो अब सॉल्यूशन के पास जाएंगे हम। सुरेश सर, हमारा सॉल्यूशन लेके आओ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि वो वाला टायर घूम ही नहीं रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है, पतला वाला। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन ये है, अगर आपके पास कोई बात नहीं 7000 की चेन नहीं है, तो आपको मैं बिल्कुल सस्ते में बताऊंगा कि कैसा करें। तो ये है आपको कि अगर आप कोई प्रॉब्लम फंस गए, तो ये निकालेगा, डेफिनेटली निकालेगा। तो चलिए इसको बांधते हैं, और याद रखना थोड़ा नज़दीक आइए, जो ये तो अलॉय है, अलॉय में बिल्कुल सही पे बैठ जाती है ये,
तो फ्रेंड्स अगर आपकी गाड़ी में अलॉय नहीं है, तो क्योंकि सबकी गाड़ी में अलॉय तो होंगे नहीं, तो अगर आपकी गाड़ी में अलॉय नहीं है तो जो रिम वाले हैं उसमें डिस्क ब्रेक होते हैं अंदर, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी। तो अपना जो नाप का जो साइज़ होगा उसका, तो उसके हिसाब से लेना, ज़्यादा मोटी मत लेना ताकि आपकी डिस्क ब्रेक में फंसे ना वो। ठीक है भाई, तो आ जा। तो भाई नॉट याद रखना, पक्का बांधना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो मेरा टायर है वो ज्यादा बड़ा है, रस्सी छोटी होगी, तो रस्सी लंबी रखना है। तो यहाँ पे एक और बात है कि जो स्नो चेन होती है या वो करती क्या है, तो एक्चुअली जो स्नो चेन वो हार्ड काफ़ी होती है, तो वो बर्फ़ को ना और गाड़ी का जो वेट होता है वो बर्फ़ को तोड़ देता है, और वहाँ पे यू नो फ्रिक्शन उस टायर को मिल जाता है जिससे वो एकदम से निकल जाती है। तो अभी हमारे पास ज़्यादा रस्सी है नहीं, तो मैं इसे ट्राई एक बार करूँगा, नहीं निकली तो दूसरी रस्सी भी लगाऊँगा। तो पर हाँ याद रखना भाई, रस्सी ज़्यादा रखना अपने पास। जो इसका बेसिक रूल है कि 5 से 6 नॉट रखें आप, ये वाला जो कर्व्स लगाओगे यहाँ पे तो 5 से 6 होने ही चाहिए। तो मैं 3 पे ही ट्राई करूँगा, तो बेसिकली ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो मेरी तो 4S से निकल जाएगी। तो ट्राई करते हैं उसी स्पीड से। इधर तो फ्रेंड्स देखो ग्रिप इस टायर को मिल गया, अब दूसरा वाला टायर आइडल घूम रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक और सॉल्यूशन, हम दूसरी साइड भी रस्सी लगाएंगे। थोड़ी छोटी होगी तो रस्सी में पहले 10-15 फीट बोर्ड था, कम से कम 20-25 फीट रख लेना, क्योंकि ये आपको काम करेगी। तो मेरे कम से कम ये 5-6 फीट थी, तो पूरा टायर एक्चुअली मेरा भाई इतना चौड़ा टायर है। तो मैं आपको बता दूँ कि यार मैंने कहीं आपको शक ना हो कि मैंने 4S लगाया है, तो मैं आपको यहाँ आगे दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 2H पे गाड़ी है, जो ये वाला है ये 2H पे है, मींस जो आपके पीछे वाले ही चलेंगे। तो भाई मैंने एक भारी सा सांड मैंने ज़्यादा बिठा दिया है, तो अब ये भी फायदा करेगा, ये जो वेट है इसका फायदा करेगा। देखो यो जल्दी जल्दी आगे। तो भाई अभी देख लो चल रही है बढ़िया, इधर आ जाओ जरा भाई। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने कोई 4H नहीं लगाया, कहीं ऐसा ना कि यार शक कर लो आप बाद में लगाया तो नहीं है। ये देखिए भाई सेम है, 2H पे है। तो देखो भाई मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि आप स्नो चेन को रिप्लेस कर दो, स्नो चेन घटिया होती हैं ऐसा वैसा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो आप अगर फंस गए तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो जो हमारे नॉट्स हैं वो सिर्फ देख लो 1, 2, 3, ये तो मैंने बांधी नहीं थी ज़्यादा, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बट अगर मैं 5-6 नॉट बांधूंगा तो बहुत अच्छा ग्रिप मिलेगा। और उस साइड जो दूसरे टायर में है वो वहाँ पे सिर्फ 2 नॉट हैं। सॉरी यहाँ पे 2 नॉट भी नहीं, सिर्फ 1 नॉट है और जो खुल गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल नॉट था, फिर भी हमारी गाड़ी चढ़ गई। तो याद रखना भाइयों, जितने ज़्यादा नॉट होंगे वो आपके लिए बेटर होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो ये उस रस्सी का कमाल है, तो यहाँ पे उन्होंने गड्ढा कर दिया रस्सी ने, जिसके कारण इसको फ्रिक्शन मिलेगा। जो ये वाली है ये काफ़ी सख्त है, हार्ड वाली बर्फ़ है, तो यहाँ पे रस्सी घुसी और उसने टायर्स को फ्रिक्शन दिया। तो बस यही मैकेनिज्म होता है, चाहे वो स्नो चेन हो चाहे रस्सी हो, तो बस इसी तरह वो आपकी गाड़ी निकाल सकती है। तो भाई जो बहुत सारे महानुभाव हैं भी कमेंट करेंगे लिखेंगे ऐसा नहीं ऐसा है, तो भाई ठीक है आप अच्छे हो, तो मेरे जो इम्पोर्टेंट बात थी बताने की वो मैंने बता दी है। तो मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये काम आ सकते हैं, तो याद रखना रस्सी डालना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो से क्या सीखे आप कि भाई बाकी कुछ हो चाहे ना, रस्सी गाड़ी में डालना अगर आप हिल स्टेशन में जा रहे हो। तो मुझे अभी तो वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं तो 4S ही लगाऊंगा, तो अभी मनाली जा रहा हूँ मेन, तो मिलूंगा थोड़ी देर बाद आपको। तो भाई देखा एक छोटी सी नायलॉन की रस्सी जो ये हार्डली यार 200 रुपए की आएगी, तो आपके बहुत काम आ सकती है। तो ग्रिप के लिए याद रखना रस्सी का होना ज़रूरी है, एटलीस्ट रस्सी का। तो काफ़ी लोग पूछे भाई स्नो चेन कैरी करो, स्नो चेन कैरी करो, तो डोंट वरी स्नो चेन भी कैरी करनी चाहिए। तो अगर आप इस यू नो ऐसे स्नोफॉल में आ रहे हो तो स्नो
चेन कैरी करनी चाहिए, बट आप इस नायलॉन रस्सी से भी काम कर सकते हो। तो मेरे दिल के टुकड़ों, प्लीज़ यार अभी सब्सक्राइब कर दो। आपको पता है मैं ऐसी ऐसी वीडियो लाता जो आपके काम आती हैं, सबके काम आती हैं। तो भाई इस बार का जो टारगेट है मेरा लाइक का वो 200 लाइक है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 200 लाइक तो बनते हैं भाई जो मैंने आज की आपको चीज़ बताई। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कि हम कैसे अपनी गाड़ी को निकालें अगर स्नोफॉल होता है और हमारे पास अगर चेन नहीं हो तो क्या करें। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एडवेंचर वीडियो में।